कंड साबू एन आर आई वेलफेयर सोसाइटी के सदा पत्र से इत्थे सरकारी हाई स्कूल के जिन्हें भी पतवंते सज्जन मेडिकल कैंप लगाई आ रही है अपने नगर निवासियों के एन आर आई वीरां दे सहयोग के नाल औरतों के मर्दों के कैंसर की सीरीज जांच औरतों की मैमोग्राफी जाएगियां ते अजकल जी एक होर समस्या वही पैदा हो रही है मानसिक बीमारी की मानसिक बीमारी का मैं समझा क्योंकि ये कल ही डॉक्टर साहब ने सलाह भी देखे तो इलाज भी कर लगे सो उन्होंने भी एक मन बहुत वाइस उपरला डॉक्टर जो साढ़े दरम्यान पहुंचे डॉक्टर सरनी सचदेवा जी जी मानसिक रोगों के महर आ डॉक्टर सरनी सचदेवा जी मैं उन्होंने बेनती कर अंजू जी पहुंचे सीनियर ओपीनियन कुलदीप सिंह सहयोग हर साल ये मेडिकल चेकअप कैंप लाया जाता है कैंप लगाया गया है कांगो सभा और ग्राम पंचायत वालों एक कैंप जरा लगाया गया इतने आने का मौका दिता तुम करते रहे तो करते रहेंगे करते रहने मतलब जे आप मरीजों की गल करते हैं तो जो सब रजिस्टर करा के वापस चलिया जाएँ अभी भरमा च क्यों पैना तो सारे एक बेनती हैगी है कि भाई तुम इस चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद आ कि हम मैं बेनती करता हाँ सरदार बलजीत सिंह जी यूके तो उन्होंने बेनती करता कि वह भी अपने विचार रखन समय के टाइम कढ के आए हो तो इस करके सारे सहयोग नाल ही कैंप लगता है महाराज ने जो डॉक्टर साहब दस दिता हरेक बंद अपने विचार सेम ही कि फैलते हैं तो सिर्फ एक डॉक्टर रमन जी और डॉक्टर डॉक्टर तेजेंद्र डॉक्टर सलनी सचदेवा डॉक्टर हरलीन कौर वह भी अपनी याद करी भेड़ अन्न के उन्होंने भी ललित धीर कपल धीर से अशमिंदर सिंह डॉक्टर शालिनी सचदेवा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन न्यू रूबी हॉस्पिटल मेरे को मेन इतने बच्चे आते हैं बड़े आते अपने मानसिक रोगों की प्रॉब्लम्स लैके जो मानसिक रोगों शिकार हो पे ने जिन्होंने डिप्रैशन के शिकार ने बच्चों के स्क्रीन एडिक्शन है स्क्रीन व्यूइंग एडिक्शन जिहड़ा कि मोबाइल ने बच्चों का बिल्कुल ही मानसिक रोगों भर दिता बच्चों क्योंकि मोबाइल एक इदा का एडिक्शन है जोड़ा बच्चों के दिमाग में अंदरों ही अंदरों खाई जा रहा है जिदे नाल बच्चे नू खुद भी नहीं पता लगता एक घंटा दो घंटे अगर बच्चा मोबाइल लगातार देख रहा तो उन्होंने पता ही नहीं लगता कि वह कितने बैठे कितने नहीं क्योंकि ये सिमटम्स भी बच्चों के पेरेंट्स में नज़र आते हैं ये सिमटम्स है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है बच्चे के बिहेवियर इशूज आ जाते हैं बच्चे एंड आई कोआर्डीनेशन नहीं बनता बच्चा देखता कितने हो रहा है गल कितने होर करता है ये सारिया प्रॉब्लम जी अज की डेट के आ रही है मोबाइल के नाल आ रही है।
इस करके मेरी सारे पेरेंट्स नू यही प्रॉब्लम यही प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिन्ना बच्चों नू अपने मोबाइल तो दूर रखा जाए, प्लीज़ उन्होंने दूर रखो जिदे नाल बच्चे इतने तो प्रॉब्लम दे विच मानसिक रोगों दे विच ना आ। अजकल देखा जाए बच्चे जिद्दी हो जाते हैं मोबाइल तो वगैरह जो खाना भी नहीं खाते हैं, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਊਟਿੰਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਮੈਸੇਜਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਐਨਕ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ।
मानसिक रोग लगातार बढ़ता जा रहा है की विदेशों के भी इस तरह के माहौल बनता जा रहा? हाँ जी विदेशों में भी है तो पर उसे इलाज भी है काफ़ी जिदा डॉक्टर्स है लोगों को शेयर करते हैं तो जोड़ा सुसाइड आप कहने अपने आप में लोग आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि आप डरते हैं कोई भी अपना बीमारी लैन तो पर अभी खुल के नहीं दसते आत्महत्या का कारण भी यही बनता जोड़ा तुम यही सूँ लक्षण मिलते हैं भी बंदा चुप कर गया वो जिदा अच्छक आप फोन की गल करते हैं किसी चीज़ की भी है अंदर कोई ना कोई चीज़ घर कर गई है वह तंग कर रही है इस करके जो बंदा अपने आप को मारता वो इस वो बीमारी का शिकार ही होता पर आप यही बेनती करते हैं भी जोड़ा बंदा कोई भी चुप कर जाता जो बच्चा हो उन्होंने तुम बुलाओ किसी तरह भी उन्होंने खेडो उन्होंने ध्यान होर पास लाओ फोन कड़ो फोन की वही सब तो बीमारी आ रही है जहाँ अच्क अं घर रिंने पहला माहौल बहर से बच्चे भी खेडते सियाने बहर बिंदे किसी ने गल बात करते बीबिया हो बच्चे कोई भी हो पर अजक इस करके शिकार हो सब तो वही बीमारी जी अजक कैंसर की भी है पर डिप्रैशन की भी हो रही है आप यही बेनती कर रहे हैं कि उतो बचो इस करके अवेयरनेस कर रहे हैं अज इस कैंप के डॉक्टर पहुंचे तो बीमारियों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर तकरीबन सत्त है साढ़े को इस वे माहे कृपा ना डॉक्टर निंद्रपाल सन उन्होंने अरेज किया हड्डिया के माहर डॉक्टर है आम जनरल बीमारी के लाभ है डिप्रैशन के भी है अखा के भी है अपने को होर भी कोई भी प्रॉब्लम हैगी है सारे वक् वक्रे टाइप के डॉक्टर है हाँ जी इस वे वक् वक्रे नंबर लाए कंपन तो वक् वक्रे चक्कर के हिसाब ने धन्यवाद साढ़े नाल होर भी पिंड वास ने की कहना चाहोगे ये कंग साहबू एन आर आई वैलफेयर सोसायटी जी पिंड कंग साबू के जेडे एन आर आई जिन्हें साढ़े वीरवार बैठे आ विदेशों के उन्होंने सहयोग न जी बनाई गई आ इन्हों का एक बहुत वधिया उपराला आ तकरीबन हरेक साल ही यह जो मेडिकल कैंप फ्री मेडिकल कैंप लाते जिद मेरे तो पहला साढ़े एन आर आई वीर ने दसिया कि अखा के भी माहर आए डॉक्टर साहब हड्डिया के भी तो कैंसर जी संबंधित बीमारियां औरतों के मर्दा के नाल गदूदा का होर भी जेडे मतलब काफ़ी मतलब डॉक्टर साहब आए सत्त अठ डॉक्टर साहब आ एक बहुत वधिया टीम आ डॉक्टर नरेंद्रपाल सिंह जी जो साडे पिंड के डॉक्टर साहब आ उन्होंने रहनुमाई के हेठ थले मतलब सारे डॉक्टर साहब आए आ एक बहुत ही वधिया उपराला है इन्हों का तो असं आस करते हैं साडे कंग साबू जे एन आर आई जिन्हें भी बाहर बैठे विदेशों के ये साडे पिंड इस तरह ही मतलब बुलंदियों से ले जाएंगे इन्हों का एक कैंप ने इन्होंने होर भी काफ़ी अनेक काम किए विकास के पिंड जिसे आप काफ़ी समा लग जाना जो गिण लगीए तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लियाते सीवरेज का इंटरलॉक का असं इन्हें बहुत ऋणी हाँ तो अज जिन्हें भी पेशेंट आए तक भी पिंड अनाउंसमेंट हुई है तो काफ़ी पेशेंट आए इतने स्कूल के एक बहुत वधिया उपराला आ क्योंकि कई मरीज होंगे जा नहीं सकते टाइम नहीं होंगे या कई जारी पैसे की प्रॉब्लम होंगी आ तो उन्होंने विचार यही दते आने खुल के जो बीमारी बारे दसो तो यदा लाहा लो तो इन्हों का कंग साबू एन आर आई वेलफेयर सोसायटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उपराला किया जी धन्यवाद साढ़े ना होर भीर ने सर की नाम जी हरभजन सिंह यूके तो की कहना चाहोगे क्योंकि एन आर आई वीर के सहयोग न ही इदा के उपराले किए जा रहे हैं की कहना चाहोगे इदा जी देखो जिदा हम असं बहर गए हैं यूके पर साडा जिहड़ा मन आ दिल साढ़े पिंड ही रहिंदा वसदा है जी असं जो भी सोचते हैं उत्थे बलजीत सिंह हुणां नाल डिस्कस करते रहने भी साढ़े पिंड की होर चीज़ा करनिया चाहिए जिदा हम असं कैंप लगा रहे अज तो लोग अपने पिंडा तो आए आ चैकअप कराने सारा कैंसर बारे या होर मानसिक रोग बारे सारे डॉक्टर अपने को बाकी आपर तो न्यूज़ के थ्रू बाकी पिंडा भी मैसेज देना चाहते हैं भी तुम सारे अपने पिंडा का ख्याल रखो साढ़े इलाके तकरीबन सारे पिंडा के लोग यूके अमेरिका आस्ट्रेलिया वसते हैं ठीक है ना पर उन्होंने मन इतें ही रेंदे आ नहीं भी वो चले गए भी खरे उन्होंने वापस नहीं आना असी सारे वापस आना चाहते हैं असी सारे भैन भरा अपने प्यार दे नाल रहना चाहते पिंडा दे विच आ के कोई इहो जी किसी नाल भी कोई घटना ना वापरे इहदे बारे भी मैं अपने पिंड दे लोकां नूं अपने भरावां नूं कहना चाहुंदा भी तुसीं अपने पिंड दा ख्याल रखो जे इहो जे कोई हिंसक कोई इहो जे कोई हैपन ना साडे जिद्दां हुंदा इलाकियां दे विच ओह ना होवे ते असी सहयोग करदे रहिए अपने पिंड दा हांजी जे गल करिए बीमारियां तो बीमारियां जिस तरह इंडिया दे विच देखियां जा रही हैं की लगता कि विदेशों दे विच भी इदां दीआं बीमारियां फैलदीआं जा हाँ जी क्यों नहीं जी सारे बाहर भी हैगियां जिहड़े इह बच्चियां नूं असीं फोन दे के जां उहनूं बैड ते लम्मा पा लिया असीं किचन च कम लेडीज़ करन लग पैंदियां जां होर उहनूं वाइड कर लैणा बच्चे नूं बच्चा लगा रहिंदा फोन दे उत्ते इह बड़ी बीमारी जिहड़ी बड़ी भैड़ी आ बच्चियां तों फोन दूर रखणे चाहीदे आ हां जी इस करके बच्चों का ध्यान जे तुसी बचपन तो बच्चों का ध्यान रखोगे तो तुसी अपने बच्चे नूं ग्रो चंगी तरह कर सकोगे पढ़ा सकोगे जे वो बच्चा फोन लैके बैठा रहिंदा आ चार पाँच घंटे दिन दे विच उहदा पढ़ाई वल भी ध्यान नहीं लगेगा वो अपनी लाइफ दे विच कामयाब नहीं बच्चा होगा जे असी बचपन तो नहीं उन्हां दा ध्यान रखेंगे।
जेकर ख्याल नहीं रखोगे तो बीमारियों का जड़ा है शिकार होवोगे। होर भी साडे नाल ने सर गल करिए तुहाडे पिंड दे विच एन आर आई वीरां दे सहयोग दे नाल जड़ा हैगा इह कैंप लगाया जा रहा, की कहना चाहोगे? मैं ते नाल धन्नवाद ही करूँगा भाई जिहड़ा आ के इह कल्ले इह मुंडे नहीं होर भी आउंदे बाहरों तीन चार कैंप अखां दे साडे पिंड लग जांदे आ, क्यों कई बंदियां दे कोल मजबूरी हुंदी आ नहीं जा हुंदा डॉक्टर को, वो इत्थे अपना अखां दा ऑपरेशन करा सकदे सब कुछ करा सकदे आ। बाकी मैं तो इन्हों का सारे धन्यवाद ही करूँ। पिंड के सरपंच साहब भी साढ़े नाल ने, सरपंच साहब की कहना चाहोगे? अज जिहड़ा कैंप एन आर आई वीर ने लवाया एन आर आई वेलफेयर सिटी का, बहुत नगन वासियों वालों पिंड की ग्राम पंचायत वालों बहुत ही धन्यवाद कर रहे इन्हों का, जिन्होंने ये काम किया अगे भी करते अगह भी करते रहेंगे। ये हों कि जोड़े छोटे तबके के लोग है जां मेरे वर्गे जिन्हों को पैसे की जरूरत घट हुंदी आ और डॉक्टर दीआं फीसां भरने लायक नहीं हुंदे अपना दुख बढ़ा लेंदे आ, अज उन्हां लोकां नूं मौका मिलिया इत्थे कैंप च आण के अपना दुख जाहर करन और डॉक्टर साहब नूं अपना दुख दस्सण ते अपना लाभ पाउण। इन्हां कैंपां दे विच वध तों वध फायदा लिया जा रहा, की कहना चाहोगे? देखो जी, मैं साडे समूह एन आर आई वीरां दा धन्नवाद करदा जो साडे पिंड दे विच इहो जिहा उपराले करदे आ, पहलां भी करदे आ रहे आ और आस करते हैं कि अगे तो भी करते रहेंगे। बाकी जिहड़ियां ये कैंप आ इहदे विच कई बंदियां नूं इह नहीं पता हुंदा कि साडी शूगर किन्नी आ, कई बारी असीं शूगर चैक करवाउने आ, पिछे एक दो बारी कैंप लाया एक नवें बंदियां ने जदों शूगर चैक कराई, एक वीर दी साडी 200 शूगर आई, उहनूं इह पता ही नहीं सका कि मेरी शूगर किन्नी आ। कई बारी इहनां कैंपां दे विच जदों असीं एक जरनल वैसे चैकअप करवाउने आ तां असीं बहुत वड्डियां एक जिहड़ियां बीमारियां तों जिहड़ा बच सकदे आ। ये कैंपा का यह बेनीफिट आ और सारे वीर नगर इलाका निवासियों असी अपील करते हैं कि जो साडे वीर ये कैंप ला रहे हैं इस कैंप का वध तो वध जिहड़ा है वो लाभ उठाया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहुंदा कि जो एक मोबाइल हूँ जिहड़ा साडे एक बिल्कुल दिमागी परेशानियां होर भी परेशानियों का जिहड़ा कारण बन रहा, साडे माँ पिओ नूं ये चाहिए कि असी बच्चों नूं वध तो वध जिहड़ा मोबाइल फोन तो दूर रखिए। और नाल ही अपील करदा कि जो साडे वीर नशे दे रोगी बनते जा रहे हैं, मनोविज्ञान के रोगी बनते जा रहे, उहदा एक कारण नशा भी आ और नशे दे विचों भी जिहड़ा आ बंदे जिहड़े आ दिमागी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और असीं पहलां भी उपराले करदे आ, गांह भी करदे रहांगे, ग्राम पंचायत वल्लों भी करांगे कि जिहड़े नशियां तों दूर रखण लई भी जिहड़े इहो जिहा कैंप लाए जाण तां जो जिहड़े साडे वीर आ खेडां प्रति जिहड़े उत्साहित हो सकण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। पिंड वासी जिहड़े ने लगातार दसन जा रहे ने कि हाँ भाई लगातार जिहड़ा एन आर आई वीरां दा बहुत वड्डा सहयोग हुंदा, की कहना चाहोगे? कहिंदे साधु खड़ा बाजार में मंगे सब दी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। जिहड़े साडे एन आर आई वीर आ नगर दी पंचायत और साडे पिंड दे पदवंते सज्जण आ हर वेले इन्हां कम्मां लई खड़े आ, उन्हां दा किसी नाल बैर नहीं हुंदा, हरेक दा इलाज करवाउंदे आ। और असीं धन्नवाद करदे एन आर आई वीरां दा और नगर दी पंचायत दा जो हर वेले इहो जिहे कैंप लवाउंदे आ और पिंड दा वी माण वधदा और जिन्ने साडे मरीज आउंदे आ असीं अरदास करदे कि मालक उहनां नूं तंदुरुस्ती बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। कई बार लोगों को पैसा नहीं हुंदा जिस करके बीमारियों का जिहड़ा वो शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े होस्पिटलों के जाते हैं जिथे उन्होंने कई बार डैथ भी हो जाती है। पर इस तरह के जो कैंप लगाए जाते हैं एन आर आई वीर वालों तो यदा बहुत ही ज़्यादा जो फायदा भी हों। कैमरा परसन नाल पनीत अरोड़ा, निकोदर।